नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्ट चीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 10 अक्टूबर, महाअष्टमी का दिन है, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, माँ भगवती के पट खुल चुके हैं, हर तरफ पूजा पंडालों में मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रही है। आपको और आपके पूरे परिवार को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। खबरों के सिलसिले को शुरू करें। देखिए, बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति बनी है शिक्षकों के लिए, उसे लेकर शिक्षा मंत्री ने फिर बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वो आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा जीतनराम मांझी साफ साफ जो पलटवार कर रहे थे, जो कह रहे थे रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर, कि असल मायने में उत्तर जो उत्तराधिकारी हैं वो पशुपति पारस है, अब इसे लेकर चिराग पासवान की पार्टी काफी गुस्से में है। इसके अलावा देखिए, मुकेश सहनी ने भी ऐसी ऐसी बातें कही हैं, तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ेगी, अब वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा भी घोषित है, तेजस्वी यादव की जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा है उसकी भी शुरुआत होनी है 16 तारीख से, बांका से शुरू होना है उस यात्रा को, उस पर भी वार पलटवार का दौर जारी है। इसके अलावा देखिए, नीतीश कुमार ने भी कई पूजा पंडालों में भ्रमण किया है, दुर्गा पूजा का समय है, लोग घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, आज महाअष्टमी है, सभी व्रत कर रहे हैं, पूजा करते हैं, सभी लीन हैं और त्यौहार का मौसम है, सभी के घर में खुशियां हैं, हम चाहते भी। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, जानते ही हैं, परिचित है सबसे आप, जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कर कह रहे थे, क्योंकि घटक दल भी उनके कई सवाल खड़े कर रहे हैं इसे लेकर, जो ट्रांसफर नीति बनकर तैयार हुई है कई महीनों के बाद, अंतोगत पर तैयार हुई है, अब इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिसंबर में जब छुट्टियां होंगी उसके बाद फिर ये लागू होगा, उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाके आप वहां पर अपलोड करिए, सब तैयारी है। देखिए, निश्चित रूप से सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, तो ये जो ट्रांसफर की नीति बनी है, ट्रांसफर पॉलिसी बनी है जो बनाई गई है, उसमें वह कह रहे हैं कि 10 ऑप्शन दिए गए हैं और वो वेबसाइट जो होगा, जिस वेब आपको जाने की जरूरत नहीं, वेबसाइट पर सिर्फ आपको अपलोड करना है और वह उसमें सब कुछ कैटेगराइज किया हुआ है। जो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री की बात समझ में हमारी आ रही है, जो जो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उसमें कैटेगराइज किया हुआ और क्या क्या है वह आपको डालना है उसके बाद। और देखिए, उन्होंने कहा एक और दो बात कही कि किसके लिए कमिटी बना हुआ है, डीएम के अंदर में भी, शिक्षा विभाग के भी, कमिश्नर के लेवल पर भी। तो लेकिन शिक्षा नीति को लेकर के निश्चित रूप से एनडीए के फोल्ड में ही, आप विपक्ष की बात मत करिए, आरजेडी की बात मत करिए, कांग्रेस की बात मत करिए, एनडीए फोल्ड में ही अब जैसे जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो एमएलसी हैं, आप देखिए नवल किशोर यादव, संजय सिंह जो मुजफ्फरपुर से शिक्षा कॉन्स्टिट्यूएंसी टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत के आते हैं, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने इस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई है। ये शिक्षा नीति अब दिसंबर से पोर्टल खुलेगा, दिसंबर से होगा, अब देखिए उसमें कई सारे जो दिव्यांग है शिक्षक पर, वो लोग कैसे करेंगे, वो लोगों का क्या होगा, अब नियरेस्ट पॉइंट पर उनका होगा, कहा गया कि 5 साल के लिए करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे, तो यह सब निश्चित रूप से। और देखिए, क्वालिटी एडुकेशन की बात कर रहे हैं सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, हाँ, तो ऐसे में क्वालिटी एडुकेशन, आप जब तक शिक्षक जो हैं मेंटली जब तक शांति रूप से नहीं रहेंगे, मान लीजिए उनको परिवार की चिंता लगी रहेगी, तो वो क्वालिटी एडुकेशन कहाँ से मिल पाएगा, वो बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे या अपने परिवार का, उनका जो उनकी जो समस्या होती है, इसके लिए यह बेस्ट पॉलिसी, जितनी बात समझ में हमको आ रही है कि वो शिक्षक, वैसे शिक्षक जो चाहते हैं उनको, अब गृह जिला में उनका ट्रांसफर नहीं होगा, यह सब भी बात आ रही है, तो यह कहीं ना कहीं झोलझाल है इसमें। अब देखिए, बनने दीजिए क्या, और वह तो अब उसके जींस टी शर्ट भी नहीं, हाँ, आदेश जारी हो गया शिक्षकों को, ये बात तो सही है, जो शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो जीन्स और टी शर्ट में ही पहुंच जाते हैं, कैजुअल कपड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे वो वातावरण नहीं आ पाता। देखिए, शिक्षक का और स्टूडेंट का, टीचर का स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है, गुरु का शिष्य का, अब आप जीन्स और टी शर्ट में पहुंच जाएंगे, हाँ, कई शिक्षकों का वीडियो वायरल होता है डीजे पर नाच रहे हैं, क्या डीजे पर, देखिए डीजे पर नाचना वह ठीक है, वह ठीक, गुरु जी का, वह गुरु जी का वह नहीं करना चाहिए, वह कहीं ना कहीं गड़बड़ है बच्चों में, क्या मैसेज ऐसा आचरण नहीं रखना चाहिए, हाँ, वो मैसेज गलत जाएगा ना बच्चों को, जिनको आप जिनके गुरु का मतलब आप उनके अभिभावक हैं, माता पिता के बाद कोई होता है तो वह गुरु होता है, वही आपका मैक्सिमम टाइम आपका घर के बाद वही बीतता है, स्कूल कॉलेज में बीतता है, और गुरु जी ही अगर डिस्को नाचने लगेंगे तो गड़बड़ है, तो ये इस लिहाज से वह ठीक है। लेकिन आपको अब क्या कहा जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से,
जींस टी शर्ट नहीं पहनना है, ठीक है, गरिमा वही मई वातावरण को बनाना है कि माने जो वातावरण जो इन्वायरमेंट हो स्कूल कॉलेज का वह गरिमा मई लगे कि हाँ स्कूल कॉलेज है, बेहतर इन्वायरमेंट रहे। और देखिए शालीन व्यवहार करना है, व्यवहार तो निश्चित रूप से शालीन सबका होना चाहिए, हमारा आपका सबका होना चाहिए, ये सिर्फ गुरु जी का ही नहीं, सबका व्यवहार और आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो कि एक लगे कि हाँ कोई आदमी है, शिष्य है, गुरु है, बिल्कुल ऐसा रिश्ता है, बिल्कुल। अब दोस्त की तरह रिश्ता हो जाएगा तो फिर पढ़ लिए बच्चे, फिर हो गई पढ़ाई, बिल्कुल। तो ये एक बात है, शिक्षा विभाग में आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन जरा फिर से राजनीति पर आते हैं। चिराग पासवान को लेकर तो नहीं कहा जितना मांझी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिनों रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी, उनके पुण्यतिथि पर जो उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी की बात हुई तो उत्तराधिकारी पशुपति पारस हैं एनडीए में, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पशुपति पारस हैं उत्तराधिकारी। अब देखिए कल क्या हुआ, कल अरुण भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जितना मांझी की बातों से नाराज है तो फिर ऐसे में एनडीए में तो खटपट होती है, जितना मांझी हमेशा पता नहीं क्यों ना क्यों किसी ना किसी को छेड़ते रहते हैं। नहीं नहीं देखिए छेड़ने की बात नहीं है, देखिए वह जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री तो है ही है, इसको ऐसे भी समझा जाए कि वह भी पासवान जी के करीबी में से थे, और वह पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, दूसरे नरेंद्र मोदी के दूसरे कालखंड में दूसरे कार्यकाल में वही केंद्र में मंत्री थे, चिराग पासवान नहीं थे, चिराग पासवान तो तीसरे कार्यकाल में बने हैं, और देखिए चिराग पासवान उनके पुत्र है तो वह पशुपति कुमार पारस उनके अनुज है, उनके भाई है, यह पूरा पूरी देश जानता है इस बात को, कोई हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी लिहाज से उसी वो पुण्यतिथि के अवसर पर रामविलास पासवान जो लोजपा संस्थापक हैं दिल्ली में उनके आवास पर जो सरकारी आवास है पशुपति कुमार पारस का उसमें कार्यक्रम रखा गया था, उसमें जीतन राम मांझी समेत कई बड़े बड़े नेता गए थे, तो उसी में दरमियान में वह जो देखिए पशुपति कुमार पारस कुछ अस्वस्थ भी हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि देखिए जो लिगेसी की बात होती है वह उनको भी एक कहीं आप उनको आउटराइट रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह भी पारस जी भी जो है सो भाई हैं तो वह आप देखिए उसी लिहाज से उसी को देखते हुए यह जीतन राम मांझी ने कहा, उसको लेकर के अब अरुण भारती जो जमुई से सांसद है चिराग पासवान के बहनोई है वह जो है सो निश्चित रूप से बीते दिन वह पटना में जो लोजपा का मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो कार्यालय है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस विधिवत किया इस बात को लेकर के, तो कहीं ना कहीं यह नाराजगी है कि कैसे कह दिया गया, तो उसी पर उन्होंने कहा कि देखिए जीतन राम मांझी आदरणीय है सम्मानित है और जो है सो लेकिन जो लिगेसी की बात आती है जो वह चिराग पासवान के पास है, चिराग पासवान को ही रामविलास पासवान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाया था, यह बात भी फैक्ट है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, और चिराग पासवान इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हीं को एनडीए ने एक्सेप्ट भी किया, नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट किया और 5 सीट दिया, 5 सीट जीत करके लाए, तो यही वो बता रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस तरीके से अरुण भारती का जो बयान है इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि एनडीए में जो है सो कहीं ना कहीं खटपट तो होगी, हाँ इनसे बचना चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अब इतनी बात तो है, अब देखिए राष्ट्रीय लोजपा जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है उसके जो है सो राष्ट्रीय महासचिव हैं जो एक्स एमपी हैं नवादा से चंदन सिंह, उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। अब उन्होंने क्या कहा है कि मैंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न की सिफारिश करने चंदन सिंह ने कह दिया और कहा है कि बिहार सरकार जो सो भारत रत्न के लिए अनुशंसा करे केंद्र सरकार, तो यह बड़ी बात है। देखिए यह तो अब वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कौन है भाई, तो आपको पशुपति पारस की पार्टी है, यह जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या चिराग पासवान की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों पार्टी जो है सो एकजुट का मन विचार एक ही है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात पर खटपट खटखटाकर दिखाई पड़ती है। अब अरुण भारती ने कहा ना परिवार को उन्होंने तोड़ दिया, किसको कहा अपने चाचा को मैंने पशुपति पारस को कहा, तो यह निश्चित रूप से यह जो है सो दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं यह खाई पटने वाली दिखाई नहीं पड़ रही। देखिए खाई अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर तो मुसीबत होगी ही, बिल्कुल। और त्योहार के समय में भी समझ रहे हैं कैसे राजनीति हो रही है, किचकिच हो रही है, राजनेताओं को लक्षण ही कुछ अलग होता है, जिनके लिए सब दिन राजनीति ही चाहिए, खैर वो बात अलग है। चलिए अपने खबरों पर आते हैं। मुकेश सहनी ने जो कह दिया है 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होनी है,
बिल्कुल 16 से 16 तारीख से बिल्कुल। अब दूसरा फेज है उनका ये कार्यकर्ता संवाद का, जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं मुकेश सहनी भी यात्रा पर है, कह रहे हैं कि अब 40 सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि धोखा तो दोनों ही ओर से मिला था। बिल्कुल, हालांकि लोकसभा चुनाव में वो तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ आरजेडी के साथ इंडिया अलायंस में थे, 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, तीनों पर ही करारी हार हो गई। लेकिन अब 40 सीटों पर लड़ेंगे, क्या सच में 40 सीट मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव देंगे? देखिए अगर 40 सीट वो मांगेंगे तो कांग्रेस कितना मांगेगी, तो फिर आरजेडी के लिए क्या बचेगा? माले लेफ्ट पार्टीज भी है। बिल्कुल, देखिए ऐसी बात है कि मुकेश सहनी अभी यात्रा पर हैं, सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा पर चल रहे हैं, वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए वो अपने कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों से मिल रहे हैं तो उत्साहित हैं वो, इसलिए हाथ से वो कह रहे हैं 4 नहीं 40। और जो उन आरक्षण की बात करेगा, जो उनके समाज की बात करेगा, उसके ही साथ में वो रहेंगे। और 40, 4 से 40 कह के निश्चित रूप से तेजस्वी का उन्होंने तो कहीं ना मुकेश सहनी की पार्टी अगर 40 सीट मांग रही है, हाँ बिल्कुल, तो फिर कांग्रेस कितना मांगेगी? वही। और तेजस्वी यादव आरजेडी कहते आए हैं कि पिछली बार 2020 में 70 सीटें जो कांग्रेस को दी थी, 70 में से महज 19 सीट कांग्रेस जीत कराई, यही वजह रही कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और वो इतनी सीट इस बार मुझे लगता है कांग्रेस को देंगे। देखिए तो फिर मुकेश सहनी को कैसे देंगे? वही बात है, देखिए इस बार फूंक फूंक करके इंडिया अलायंस महागठबंधन बिहार में सीटों का बंटवारा करेगा, तो ये मुकेश सहनी ठीक है, डिमांड तो बड़ा हो ही सकता है। जैसे बोला जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम तेजस्वी बनेंगे, अगर इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन की सरकार बनती है तब अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 4 मिलता है या 40 मिलता है, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन उनका डिमांड है मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का, कि हमको जो है सो 40 सीट इस बार, 4 नहीं 40। तो ये एक बड़ी बात वह कह रहे हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और आरजेडी की वो परेशानी बढ़ा रहे हैं कि अब देखिए क्योंकि उसमें वाम दलों को भी समाहित करना है, कांग्रेस को भी साथ में लेकर के चलना है। 40 वो लेंगे तो कांग्रेस ही लेगी, कांग्रेस और लेगी, निश्चित रूप वाम दल भी उतना लेंगे, निश्चित रूप से तेजस्वी के लिए बचेगा क्या आरजेडी के लिए? बिल्कुल, अब इस बार तेजस्वी कोई उस तरह का गलती करने नहीं जा रहे हैं कि सरकार बनाते बनाते रह जाए, चाहे गठबंधन किसी से रहे या न रहे, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो इस बार तेजस्वी के लिए यह एक लिटमस टेस्ट भी होगा, कैसे अपने अलायंस पार्टनर को एकजुट करके आगे बढ़ते हैं, यह भी एक क्योंकि कार्यकर्ता संवाद भी अब शुरू होनी है, बिल्कुल शुरू होना है 16 तारीख। हाँ 16 से 26, हाँ बांका से वो स्टार्ट करेंगे दूसरे चरण का जो उनका जो कार्यक्रम है, तो वो अब उसी में तो नीरज कुमार एमएलसी भी चुटकी ले रहे हैं कि देखिए कि भाई कार्यकर्ता संवाद उनका आवास पर जो है तो कोई संवाद नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए कोई दरवाजा निषेध, तो वह इसलिए जिलों में जा रहे हैं। हाँ इसीलिए जिले में जा रहे हैं। तो देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को थोड़ा सा लिबरल, अभी हाल ही में देखिए रिलैक्स हुए, बेल मिल गई थी रामजीवनी कोर्ट में, लेकिन फिर देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ था इस साल, अब यूएई ने मामला केस ट्रांसफर कर दिया है ईडी को, तो उसमें जांच होगी, तो लाभ किसे हो रहा था? तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, जो तोड़फोड़ हो रही थी, विधायकों की खरीद फरोख हो गई थी, ठीक है, पैसा किसका था किसका नहीं था वो ईडी जांच करेगी, लेकिन उससे लाभ किसे हो रहा था? बिल्कुल, नीतीश कुमार की सरकार गिरती तो बनती किसकी, ये लाभ किसे हो रहा था? बिल्कुल, देखिए ईडी जांच करेगी। देखिए निश्चित रूप से अब तो ईडी के हैंडओवर है केस, या तो यह अब निश्चित रूप से तेजस्वी अब कैसे टैकल करते हैं तमाम इन मुद्दों को। अब तेजस्वी को हमारी समझ से जो हम समझ देख पा रहे हैं, मुकेश सहनी को लेकर के चलना, कांग्रेस को थोड़ा सा लिबरल होगा होना पड़ेगा। और देखिए तो मुझे लगता है फिर गठबंधन टिकेगा नहीं। हाँ तो फिर टिकेगा नहीं, तो फिर वो अगर 40 सीट ये मांगेंगे तो टोटल सीट तो 243 है, वो 342 नहीं होने जा रहा। तेजस्वी यादव इस बार कम से कम लड़ेंगे तो 150 सीट पर, ये मान लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मैजिकल फिगर 122 जी, तो वह 122 जो मैजिकल फिगर है, जादुई आंकड़ा है, तो उतना वो चाहेंगे कि हम जो 90-92 सीट बचा है उसी में सबको बांट दें। हाँ तो वो और उससे ज्यादा कुछ होगा तो उसके साथ गठबंधन भी, निश्चित रूप से वही चाहेंगे कि मैजिकल फिगर पर हमारी पकड़ रहे जी, कि हमको किसी तरफ इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, खैर त्योहार पर भी आते हैं, दुर्गा पूजा का त्योहार चल रहा है, हर तरफ पूजा पंडाल बनकर तैयार है, मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रही है, कल ही पट खुल चुके थे अधिकतर जगह पर, सभी जगह लगभग लगभग पट खुल चुके हैं। नीतीश कुमार भी कल देर रात को खाजपुरा तरफ गए थे, शिव मंदिर में पूजा की है, फिर माँ दुर्गा की आरती उतारी है, नीतीश कुमार भी दुर्गा पूजा के रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि तो सर्वधर्म को मानते हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार हर पंडाल पहले भी घूमते थे, इस बार भी घूमते हुए, सबको देख रहे हैं कि हाँ व्यवस्था ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, पूजा पंडाल की व्यवस्था, और माता को याद भी करना है, पूजा पाठ भी करनी है, राज्य के लिए अमन चैन मांगना है, बिल्कुल खुशी मांगनी है, प्रार्थना करना है। तो वह जो दुर्गा पूजा का आप
राजधानी पटना में तमाम जगह देखिए बड़े बड़े तोरण द्वार, बड़े बड़े पंडाल, लाइट्स है, पूरा सज धज के तैयार है। लग ही नहीं रहा कि आप पटना में घूम रहे हैं, लग रहा है कहीं दूसरे जगह घूम रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है और भक्तिमय माहौल है, सबसे बड़ी बात भक्तिमय माहौल, आस्था का जनसैलाब फोटो पर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो दशहरा का त्यौहार होना है, रावण वध कार्यक्रम होगा गांधी मैदान, बिल्कुल उसके लिए लाखों लोग आते हैं। हाँ, उसके लिए भी देखिए गांधी मैदान में पूरा बैरिकेडिंग किया जा रहा है, मास्क बल्ला लगाया जा रहा है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो पूरी तैयारी है। खैर, दुर्गा पूजा की आप सभी को बधाई एक बार फिर से। आज के इस कार्यक्रम इतना ही। आप हमारे सुबह की चाय कार्यक्रम को रोज देखते हैं, पसंद करते हैं, हम आपके लिए भी जो जरूरी खबरें होती हैं वो लेकर आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।